नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआरटीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। इस वक्त हमारे समक्ष है आकृति हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो कि आप एक जनरल फिजिशियन हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो वायरल फीवर और जो डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफी बढ़ रहा है, तो आप बताइए किस तरह के पेशेंट्स अपने हॉस्पिटल में आ रहे हैं, बताइए। फिलहाल हमारे एरिया में तो ज़्यादातर अभी वायरल ही फीवर के ही आ रहे हैं और थोड़े बहुत गैस्ट्रो के भी आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अभी इस एरिया में डेंगू का मुझे नहीं मिले हैं पेशेंट, लेकिन सर्दी खांसी जुकाम सीजनल फीवर बॉडी एक थोड़ा कभी कभी वोमिटिंग घबराहट वीकनेस हाथ पैर दर्द इस टाइप के पेशेंट ही अभी ज़्यादा आ रहे हैं। सर, आमतौर पर ये भी देखा गया है कि ऐसे जो पेशेंट जो उनको लो इम्यूनिटी है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, ये जो पेशेंट्स है इनमें काफ़ी इन्फेक्शन फैल रहा है, काफ़ी वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है, तो आप बताइए जो डायबिटीज वाले जो पेशेंट है किस तरह के आ रहे हैं आपके पास? हाँ, तो इस टाइप के पेशेंट को तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि उनका शुगर लेवल, डायबिटीज वालों को तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने अपना शुगर लेवल कंट्रोल करना, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ वालों को और ज़्यादा ध्यान रखना है, तो डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें अपना शुगर लेवल को कंट्रोल रखना चाहिए, तो जिससे उनको बाकी जो साइड इन्फेक्शन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बहुत जल्दी उनको ना पकड़े, है ना। तो इसलिए उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें अपना मॉर्निंग वॉकिंग भी करना, डाइट कंट्रोल करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, जिससे और उनका हेल्थ अच्छा रहे, इम्यूनिटी बढ़ी रहे। ऐसे भी लोग हैं जो अपना एक्सरसाइज नहीं करते और जंक फूड ज़्यादा ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, उसका उनके शरीर पे किस तरह से परिणाम होता है? हाँ, तो अभी यंग जनरेशन में भी और ओवरऑल एक फैशन ही चला है जंक फूड का बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी घर में खाना बनाने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम हो गई है और मेनली तो वीकेंड में सैटरडे और संडे तो लगभग हर फैमिली आपको रोड पे ही दिखेंगी रोड स्ट्रीट फूड लेने में, और खासकर ये बारिश के सीजन में जंक फूड लेने में और बाकी रोड स्ट्रीट फूड लेने में आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है और गैस्ट्रो तो बहुत ही जल्दी होता है, साथ में टाइफाइड आपको पीलिया भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस समय अपने डाइट का भी ख्याल रखें, सेहत और अपने पानी का भी ख्याल रखें, पानी अपना घर का इस्तेमाल करें या फिर उसको उबाल के ठंडा करके अच्छे से पिए, मिनरल वाटर वापरें, इस समय स्ट्रीट फूड थोड़ा सा अवॉइड करें। जब हम महिलाओं की बात जब करते हैं तो उनमें ये देखा गया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, इसके प्रॉब्लम, माइग्रेन के प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो आप बताइए ये जो महिला वर्ग जो है इनमें जो प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं उसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, महिलाओं में थायराइड का भी, माइग्रेन का भी और ये सब प्रॉब्लम बढ़ ही रहा है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा दिखने में आ रहा है क्योंकि आजकल टेस्टिंग भी ज़्यादा होने लग गई है, लोग ब्लड टेस्ट वगैरह भी जो भी अपन एडवाइस करते हैं डॉक्टर लोग तो थोड़ा सा कर लेते हैं, पहले क्या है इन चीज़ों की उतनी इग्नोरेंस थी तो लोग टेस्टिंग भी बहुत जल्दी से करते नहीं थे तो डिटेक्शन में टाइम लगता था, तो इस पर अभी जल्दी अपने को अर्ली डायग्नोसिस होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी शुरुआत होने से उनको जल्दी फायदा होगा। उन लोगों को भी यही है कि भी इस सीजन में खासकर अपने डाइट का और मॉर्निंग एक्सरसाइज का, रेगुलर एक्सरसाइज का ख्याल रखने से हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए, थोड़े बहुत मल्टीविटामिन वगैरह भी रेगुलर लेना चाहिए उनको इस सीजन में। वायरल फीवर के अलावा देखा गया कि जो एडल्ट्स लोग हैं उसमें एलर्जी का भी प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा है, तो आप ये बताइए बारिश का जो सीजन चल रहा है, फंगस के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं, स्किन पे इम्पैक्ट उसका हो रहा है, तो आप बताइए इसको टालने के लिए किस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए? हाँ, बारिश में आमतौर पर देखा गया है कि फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है क्योंकि ये मॉइस्चर से बढ़ता है, तो इस सीजन में मॉइस्चर ऑलरेडी पूरे बिल्डिंग में भी रहता है, कपड़ों पे भी और अपने बेडशीट में, टॉवेल्स पे, ऑलरेडी बारिश में भी धूप नहीं निकल रही है, वैसे भी एक हफ्ते से नागपुर में तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, तो इस ऐसे सीजन में अपने को मेन है कि मॉइस्चर अवॉइड करना, सब चीज़ों को अच्छे से सुखा के वापरना, खासकर अपने अंडर गारमेंट्स और सभी पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी, नहीं तो इसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ेगा आपको। शहर और विदर्भ के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, सर आपका फोन नंबर और आपका क्लिनिक का एड्रेस, हॉस्पिटल का एड्रेस यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, यदि हमारे दर्शक आपसे लाइव कंसल्टेशन करना चाहते हैं या प्रत्येक शो के क्लिनिक में आना चाहते हैं तो वो किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह संपर्क कर सकते हैं, उस बारे में बताइए। मेरा फोन नंबर आपको लाइव स्क्रीन पे दिख ही रहा है, मेरा फोन नंबर है 9822224241, इजी है, याद भी रख सकते हैं, और मेरा मेन रोड रिंग रोड त्रिमूर्ति नगर में मेरा क्लिनिक है,
यहाँ पे भी आप आके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को आप ये भी बताते हुए चले कि ये जो बारिश का जो सीजन चल रहा है, इसमें जो अपन ये बोल रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन तो काफी फैल ही रहा, इसके अलावा इसको कंट्रोल करने के लिए जो दमा के जो पेशेंट रहते हैं, इनको ब्रीथिंग के प्रॉब्लम रहते हैं, उन्होंने किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए, उस बारे में बताइए। हाँ, लोगों ने भी खासकर इस सीजन में दमा वगैरह और जो खांसी होने से भी दमा हो रहा है काफी लोगों को, ऑलरेडी जिनको अस्थमा है उनको जो रेगुलर प्रिकॉशंस है वो लेना है, उनको रेगुलर मेडिसिन है, थोड़ा सा ठंडी चीजें दही वगैरह खट्टी चीजें सब अवॉइड करना है, जिससे उनको जल्दी एलर्जी ना हो और जल्दी अटैक ना आए अस्थमा। तो अपना गर्म कपड़े भी पहने थोड़े से, अगर उनको ठंडी लग रही है या बुखार आ रहा है तो जल्दी से उसका ट्रीटमेंट ले और अपने इनहेलर वगैरह अपने पास में ही रखें। और ये भी देखा गया है कि ऐसे जो पेशेंट जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, ये लोग बीपी की जो दवा है उसको भी टाल देते, दवाई लेते नहीं, तो उसका इम्पैक्ट कुछ होता है कि सीजन में, उस बारे में बताइए। हाँ, बीपी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को देखा गया है कि उनमें इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर हमारा ज्यादा रहेगा तो हमको कोई ना कोई सिम्टम्स रहना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तभी आपको उसके सिम्टम्स आएंगे, हेडेक होएगा, चक्कर आएगा या कोई कमजोरी लगेगी, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा बीपी नॉर्मल ही होगा, डॉक्टर जबरदस्ती हमको मेडिसिन लिख के दे रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इसलिए वो क्या करते हैं, जब उनको थोड़ा सा हेडेक होता है, चक्कर आता है, तो जब मर्जी से दो चार दिन दवाई लेते हैं, फिर भी बंद कर देते हैं, फिर ज्यादा होता है जब लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर में आमतौर पर देखा गया है कि पब्लिक को ऐसा ही लगता है जैसा बुखार के जैसी वो बीमारी है, लेकिन ये बीमारी इस टाइप की नहीं है। ये एक बार हो गया है तो आपका इसको रेगुलर चेकअप करना है, अपना डाइट कंट्रोल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और आपकी मेडिसिन भी रेगुलर लेना है। जब हम गैस्ट्रो की बात करते हैं तो उसी से संबंधित देखा जाए, दूषित फूड है, पानी है, इसके ज्यादा इंटेक करने की वजह से भी पाइल्स वाइल्स की भी प्रॉब्लम काफी बढ़ रहा है, तो इसे किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? खासकर विदर्भ में देखा गया है कि पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने यहाँ ट्रेंड ही है कि साउथी फूड का बहुत ज्यादा प्रचलन है और लोग उसके बहुत ज्यादा आदि भी है, तो खासकर लोग और एसिडिटी की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अपने यहाँ डाइट पैटर्न के वजह से और साइड साउथी फूड की वजह से, तो इन चीजों को अवॉइड करें, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, नॉर्मल डाइट ले, घर का खाना ज्यादा खाए, पानी ज्यादा पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें। जो लोग धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, उसका दुष्परिणाम उनके शरीर पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। देखो, धूम्रपान का भी और अल्कोहल का भी, तम्बाकू टोबैको का भी, इन सब चीजों का अपने शरीर के लगभग हर पार्ट पे इफेक्ट होता है, चाहे अपने धूम्रपान से आप बोलो कि आपके छाती में दमा वगैरह की शिकायत हो सकती है, उसके बाद लॉन्ग स्टैंडिंग में आपको कैंसर भी होता है, वैसे ही टोबैको से आपको ओरल कैंसर और बाकी प्रॉब्लम होता है, फिर इसलिए इस चीजों से आपको बच के रहना चाहिए। आप जितना भी ज्यादा नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे तो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इन चीजों को आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, और बहुत ज्यादा आपको अभी तलब है तो इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिए, इससे ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं तो आप ये बताइए किस तरह की यहाँ व्यवस्था है, किस तरह की स्पेशलिटी यहाँ अवेलेबल है, उस बारे में बताइए। मेरे पास अभी फिलहाल तो जनरल पेशेंट ही ट्रीट करता हूँ, जो फीवर के है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के, अस्थमा के है, जनरल चेस्ट पेन, बॉडी एक वीकनेस के है, तो इस टाइप के एक जनरल पेशेंट और जनरल ओपीडी रहती है मेरे पास, तो मैं जनरल पेशेंट का डे केयर में उनका कुछ सलाइन वगैरह की जरूरत है तो उस टाइप का भी इलाज करके देता हूँ, या थोड़ी बहुत छोटी मोटी मेडिकल इमरजेंसी भी करके देता हूँ मैं। इस रेनी सीजन में पेशेंट्स ने खान पान पे और उनकी जो जीवन शैली नियमित रहना चाहिए, खान पान उनका योग्य होना चाहिए, तो किस तरह की लाइफ स्टाइल उन्होंने अडॉप्ट करना चाहिए, उस बारे में आप बताइए। हाँ, रेनी सीजन में खासकर आपको पानी और फूड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपके डाइट पे, क्योंकि इस समय आपको बहुत जल्दी गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, प्लस साथ में आपको टाइफाइड होने के चांसेस, प्लस पीलिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इस समय आपका डाइट का भी ख्याल रखें, आपका पानी का भी ख्याल रखें, बाहर का फूड अवॉइड करें, ऑयली फूड अवॉइड करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आपकी घर का खाना खाएं। हमारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप किसी प्रकार कोई मैसेज देना चाहोगे? मेरा यही मैसेज है हमारे नागपुर के दर्शकों के लिए, आप रेगुलर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, रेगुलर मॉर्निंग वॉक करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और अपने डाइट पे, अपने रिहाइड्रेशन पे ख्याल रखें, प्लस नशीली चीजों से बचें।